हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। तो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी ऊबर ईट्स के बारे में कि क्या हम ऊबर ईट्स कर सकते हैं, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या ये सिन पे है कि कैश पे है। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऊबर ईट्स बढ़िया है, ऊबर स्पीड साइकिल पे होती है कि नहीं होती। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले एक ऊबर ईट्स एक कंपनी है जिसके साथ आप पार्टनरशिप करते हो, एक बिजनेस करते हो, और वो जो काम होता है वो आपके पे डिपेंड है, आपको कितना करना है। वैसे अकॉर्डिंग टू कैनेडा गवर्नमेंट लॉ आपको 20 आवर्स ही काम करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये आती है, बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस होता है कि मैं तो अगर बाय चांस 5 घंटे ऑनलाइन रहा, मुझे एक ऑर्डर आया, मैंने 5 घंटे में $8 या $10 कमाए, क्या वो 5 घंटे सिन पे ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो ऊबर ने भी कोई मेंशन ही नहीं किया था। मैंने उनसे पूछा था कि सिन पे है कि कैश पे है, ऊबर क्या है। ऊबर ने जस्टिफिकेशन पूरी सही से नहीं दी थी। पर मैं एज अ ब्रदर आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ऊबर ईट्स करनी है साइकिल पे ना करना। साइकिल पे बहुत मुश्किल होती है। किचनर एरिया में मैंने की थी तो 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तब जाके $8-7 आते, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे अच्छा बंदा फैक्ट्री शिफ्ट ही कर ले और 1 घंटे का एवरेज रेवेन्यू लगा लो, $15 चलो लगा लो, बट कई बार $15 नहीं होता और वेदर भी ख़राब होता है, साइकिल अच्छी से नहीं चलती। क्योंकि मैंने साइकिल पे ट्राई किया था तो मेरे बहुत कम पैसे बने थे। हाँ, अगर आपके पास कार है, ऊबर ईट्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है पैसे कमाने का, इजी वे से मनी अर्न करने का। बट आपको 20 आवर्स ही काम करना है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ, तो मैं ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ गाइस, ये मेरे ओपिनियन, ये मेरे थिंकिंग और थिंकिंग कैपेबिलिटी और जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने ना किसी और की वीडियो देखी है कि हाँ इसने ये बोला तो मैं भी यही बोलूँगा। तो जो मैंने नोटिस किया है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ इसके बारे में, मैं श्योर नहीं हूँ। बट मैं आपको इतना बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू कैनेडा गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग आपको 20 आवर्स काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपने 30 आवर्स 40 आवर्स काम किया ऊबर में, ऊबर अच्छे से ऊबर पैसे कमा लिए, $1,500-1,700 या $700-800 महीना या $900, ठीक है। फिर एंड में क्या होगा, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे तब आपका डाटा तब नहीं चेक हुआ, चलो कोई बात नहीं, आपको वर्क परमिट भी मिल गया। बट जब आप पीआर के लिए अप्लाई करोगे, आपकी सारी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स मांगेंगे कि कहाँ से पैसा आया, कैसे आया। जैसे मैं लीज है हमारे हम सबके नाम पे, ठीक है, तो हम रेंट पे करते हैं, सभी मुझे पे कर देते हो, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो मेरे पास लीज के डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें $1,770 मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, सभी मुझे करते हैं। तो मेरे पास वो जेन्युइन रीज़न है बिकॉज हम रेंट पे कर रहे हैं और रेंट का पैसा जो टैक्स होता है, इनको टैक्स भी जाता है तो टैक्स भी वापस आता है। सो गाइस, मैं यही कहता हूँ, इन चक्करों में ना पड़ो, आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगी, बस रेस्टोरेंट वगैरह में लगाओ। ऊबर करने का फ़ायदा नहीं है साइकिल पे किचनर एरिया में। मुझे टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, सरी, बाकी एरिया के बारे में नहीं पता, किचनर के बारे में मुझे पता है कि किचनर में मैंने ऊबर ईट्स किया है साइकिल पे और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो ऊबर ईट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है किचनर के अंदर। बाकी अगर ब्रैम्पटन टोरंटो देखो तो आप उनसे देख लेना जो ब्रैम्पटन टोरंटो रह रहे हैं, लुवराज त्यागी से पूछ लेना, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है ब्रैम्पटन से, तो उससे पूछ लेना, वो आपको ब्रैम्पटन के बारे में बता देगा। बट मैं किचनर के हाल के बारे में बता रहा हूँ कि ऊबर ईट्स ना ही करे ज़्यादा बेटर है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मेरा जो परसेप्शन, मेरा जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस ऊबर ईट्स का अगर आपने बनवाना है आइडिया, बनवा सकते हो, उसके लिए बस आपका सिन नंबर शायद चाहिए। मैंने तो सिन नंबर दिया था, उन्होंने मांगा नहीं था, बट वहाँ पे ऑप्शन था सिन नंबर का। अगर आपको बनवाना है आईडी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने स्टडी परमिट देना है, अपना सिन नंबर देना है और अपना बस वही स्टडी परमिट सिन नंबर देना है और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी देनी है फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आइडेंटिटी के लिए। तो और कुछ नहीं, आपकी बन जाएगी आईडी और अगर आपने ऊबर करनी है आप ऊबर कर सकते हो, आपको पैसे आ जाएंगे। सो गाइस, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मुझे पता है बहुत ही मुश्किल होती है, हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट मैंने इसे ऐसे चैलेंज लिया है, तो मैं ज़रूर अपना पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में 3-4 वीडियोज़
अच्छे से रिकॉर्ड करके उसे शेड्यूल्ड पे लगा दूँ ताकि वो अपने आप अपलोड होते रहे और मुझे अपने काम में भी दिक्कत ना आए और आपको भी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना। आई लव यू ऑल। आप लोगों की वजह से मैं हूँ। बाय बाय।